आखिर इतनी सारी बर्ड्स और इतने सारे एनिमल्स की स्पीसीज है दुनिया में, एक आधी एक्सटिंक्ट हो भी गई, विलुप्त हो भी गई, खत्म भी हो गई, तो क्या ही खास फर्क पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश पारेख एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज जाने पर। तो हाल ही में पिछले हफ्ते सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि 1 जनवरी 2021 को, यानी इसी साल जनवरी में, एक भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक बर्ड्स की स्पीसीज है, वो नहीं पाई गई थी KBS में। KBS यहाँ पर क्या है? कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, गुजरात। ये जो एक छोटी सी स्टेटमेंट थी, इन्होंने काफ़ी जो भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं और बल्कि जो इवन जो प्रायर पॉलिटिशियंस हैं, उनको काफ़ी शॉक में डाल दिया। ऐसा क्यों हुआ, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वो बस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें चार तरीके के, ये बस्टर्ड फैमिली में चार तरीके के ग्रुप्स हैं, यानी मैक्विंस बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो काफ़ी भारी वजनी होता है, यानी वो ज़्यादातर ज़मीन के ग्रासलैंड्स पर ही रहता है और उड़ता काफ़ी, मतलब काफ़ी कम फ्रिक्वेंसी होती है इसके उड़ने की, यानी काफ़ी, पहली बात तो ये ज़्यादा ऊँचा नहीं उड़ पाते ऊपर से, और ये काफ़ी भारी होते हैं, इस वजह से ज़्यादातर ये ग्रासलैंड्स पर चलते रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये इंसेक्ट्स, लिजार्ड्स और ग्रास सीड्स को खाते हैं। अभी क्या खाते हैं, इससे हमें कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए शायद, लेकिन जब ये बर्ड्स एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं तो इसका मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है कि ये लोग क्या खाते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे, अभी आखिरी में पहले हम ये बात जान लेते हैं कि ये जो अभी आया था, इनका स्टेटमेंट आया था जो गवर्नमेंट का, राज्यसभा को, राज्यसभा के MP के क्वेश्चन की तरफ, कि भाई 1 जनवरी को एक भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं पाया गया कच्छ में, यानी गुजरात में। तो ये 3 महीने बाद आया है उस ऑर्डर के, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पावर लाइन्स है वहाँ पर, जो कि इनके हैबिटेट में है, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जहाँ पर रहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम GIB से सिग्निफाई करूँगा, तो GIBs के जो हैबिटेट में है वहाँ पर जो पावर लाइन्स जा रही हैं उनको अंडरग्राउंड करा जाए। ये उस ऑर्डर के 3 महीने बाद आया, यानी अप्रैल में ये ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये ऑर्डर क्यों दिया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक्चुअली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी WII ने काफ़ी टाइम से ये बताने की कोशिश कर रहा है, यानी समझा रहा है कि जो ओवरहेड केबल्स जा रही हैं वहाँ पर, जो ओवरहेड पावर लाइन्स जा रही हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा खतरा है बर्ड्स को। हर साल राजस्थान में 18 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी GIBs की डेथ हो जाती है आफ्टर कोलाइडिंग विद द पावर लाइन्स, क्योंकि इनका एक तो सामने वाला जो फ्रंटल विजन होता है काफ़ी पुअर होता है और ये काफ़ी वेट, यानी वजनी होते हैं, ताकि इस वजह से ये ज़्यादा क्विक एक्शन नहीं ले पाते, अगर सामने दिख भी जाता है तो ये टकरा कर वहाँ पर ही इनकी मौत हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, यानी ऑलरेडी इनके नंबरों में इनकी काउंटिंग है, काफ़ी स्मॉल नंबर्स में है, तो जाकर इनके ऐसे कारनामों की वजह से इनकी मौतें होना काफ़ी एक तरीके से दुखद था। इसी वजह से इसने एक रिसर्च के बाद बताया कि ऐसा करने से, यानी इनकी डेथ हो रही है। और अगर बात करें हम KBS की, यानी कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी की, तो वहाँ पर भी 2 GIBs की मौत हो चुकी, और यहाँ पर आना और भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में, यानी 90% जो हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर, यानी और अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन केवल बाकी के जो 10% है, केवल वही हैं जो कच्छ में पाए जाते हैं, उसमें से भी 2 की मौत होना काफ़ी एक बड़ी बात है। और ये होना, यानी ऐसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में पहुँच जाना, वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ का मेन अट्रैक्शन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही था उस पर्टिकुलर एक लोकेशन का, तो वहाँ पर अगर बचे ही नहीं तो एक ये बहुत ही बड़ी बात हो सकती है उस क्षेत्र के लिए। लास्ट ईयर ये फरवरी में सेंटर ने UN की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी CMS को बताया था कि जो GIBs की टोटल पॉपुलेशन है मात्र 150 बची है पूरे देश में, जिसमें से 128 राजस्थान में हैं, 10 कच्छ में हैं और कुछ बाकी छोटे मोटे इलाकों में, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वगैरह। और इसी के बाद से IUCN ने इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में डाल दिया। इनके जो नंबर्स हैं, इनकी संख्या कम होने का जो मेन कारण दिया जाता है, जैसा हमने पहले डिस्कस करा था, ये पावर लाइन्स के होने का कारण दिया जाता है, और इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि ये मेन कारण है। अगर देखा जाए डाटा की बात करें तो ये KBS जब 1992 में नोटिफाई हुआ था, तो 1999 में 30 थे वहाँ पर GIBs की पॉपुलेशन, और 2007 में बढ़कर 45 हो गई थी, यानी वहाँ पर इसके निर्माण के बाद, KBS के बाद, वहाँ पर जब वहाँ पर उनका देखभाल करी गई थी तो उनकी पॉपुलेशंस राइज होने लगी थी। बट 2008 ऑनवर्ड्स जब वहाँ पर विंड मिल्स और पावर लाइन्स आने लगी, उसके बाद से वहाँ पर 2016 में मात्र 45 से घटकर 25 ही बच गई। और अगर हम आज प्रेजेंट डे की बात करें तो मात्र वहाँ पर, अगर फील्ड स्टाफ का कहना है कि वहाँ पर मात्र 7 बस्टर्ड बचे हैं, वो भी सारे फीमेल हैं।
तो यानी पावर लाइंस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पर। और एनवायरमेंटलिस्ट का ये भी कहना है कि वहाँ पर लैंडस्केप चेंजेस और साथ ही साथ फार्मिंग शिफ्ट भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि फार्मिंग में वहाँ पर कॉटन की ज़्यादा फार्मिंग होने लगी है, इसलिए वहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं तो वो फीड नहीं कर पाते। अगर हम बात करें कि कंजर्वेशन एफर्ट्स की, यानी इनको बचाने के लिए क्या एफर्ट्स करे गए हैं, तो उसके लिए 2015 में WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर एक जॉइंटली सेटअप करा था ब्रीडिंग सेंटर्स, यानी GIBs को जो एग्स उनको हार्वेस्ट किया जाता है और आर्टिफिशियली इंक्यूबेट किया जाता है। ये तरीके से जो सेंटर्स हैं एक तरीके से इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, यानी अगर एक्सटेंट हो जाती है तो एक जनरेशन को दोबारा आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन तब भी एक लॉन्ग टर्म के रूप में अगर देखा जाए तो जो स्पेसिस बची हैं उन्हीं के ऊपर इनको केयर करनी चाहिए। एक जो सवाल है काफ़ी मन में आता है कि यार आखिर इतनी सारी बर्ड्स और इतने सारे एनिमल्स की स्पीसीज है दुनिया में, एक आधी एक्सटिंक्ट हो भी गई, विलुप्त हो भी गई, ख़त्म भी हो गई, तो क्या ही खास फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए बहुत खास फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर जानते हैं थोड़ा प्रीडेशन प्रेशर को जानते हैं, अगर कोई प्रीडेटर एक्सटिंक्ट हो जाता है, यानी प्रीडेटर यानी जो शिकार करता है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाता है तो जो बाकी जो उसके प्रे होते हैं यानी जो उसके शिकार होते हैं उनके ऊपर से प्रीडेशन प्रेशर हट जाता है, यानी शिकार हो जाने का प्रेशर हट जाता है और उनकी पॉपुलेशन है वो काफ़ी मैनीफोल्ड बढ़ जाती है कुछ ही सालों में, जो कि एक काफ़ी मतलब हम देख पाते हैं कि उसका इफेक्ट सामने आंखों की नज़रों से भी दिख पाता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनका इफेक्ट रिसर्च के बाद 10 साल 20 साल बाद दिखता है, और कुछ चीज़ों का होता है काफ़ी जल्द ही दिख जाता है। तो ये प्रीडेशन प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक काफ़ी मशहूर एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, ये काफ़ी बार दिया जाता है, जो येलोस्टोन पार्क में 1930 में वुल्स यानी जो भेड़िए थे उनको हंट करते 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 काफ़ी उनकी जनसंख्या कम होने लगी थी, यानी वो नियर एक्सटिंक्शन पर थे, केवल विलुप्त होने वाले थे उनकी प्रजाति। तो और जो वो भेड़िए थे वो शिकार किस पर करा करते थे, हिरण और एल्क पर। लेकिन क्योंकि उनकी एक्सटिंक्शन होने वाली थी स्पीसीज, यानी उनकी जनसंख्या ऑलरेडी इतनी कम बची थी, इसलिए कुछ ही सालों में डियर और जो एल्क थे उनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण वो जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते थे उससे वो आगे आगे जाने लगे और स्ट्रीम लाइन के पास में ग्रेजिंग करने लगे, यानी धारा के किनारे चढ़ने लगे। लेकिन उस स्ट्रीम लाइन पर सॉन्ग बर्ड्स आया करती थी, यानी पंछी आया करते थे जो कि मॉस्किटोस पर शिकार किया करते थे, मतलब मॉस्किटोस को खाया करते थे। लेकिन क्योंकि वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग के कारण सॉन्ग बर्ड्स भी नहीं आ रहे थे, तो वहाँ पर अब जो मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जो कि विजिबल भी थी। और जैसे ही 1995 में वुल्फ्स को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करा गया उस एरिया में, तो काफ़ी कम समय में ही दोबारा से पूरा इकोसिस्टम है वो अपने पहले की तरह से उस लेवल में आ गया। यानी एक पर्टिकुलर छोटी सी स्पेसीज के भी एक्सटिंक्ट होने के कारण एक बहुत बड़ा बदलाव, यानी कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, यानी स्टेजेस में इफेक्ट होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही, और अगर ये तो केवल एक छोटी मोटी स्पेसीज आप जैसे बोल सकते हैं कि एक प्रीडेटर था, बट कुछ जो एपेक्स स्पीसीज होती हैं, यानी कि एलिफेंट हो गए, वो एक एपेक्स स्पीसीज में जाने जाते हैं, यानी जिनका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर देखा जाए केवल एलिफेंट, मतलब मैं जानता हूँ कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा नहीं है क्योंकि हम बर्ड्स की बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि एक्सटिंक्शन खुद में एक इतना बड़ा टॉपिक है तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। जो एलिफेंट्स होते हैं, यानी एलिफेंट्स अगर एक्सटिंक्ट हो जाएं तो हम सोचेंगे नहीं आसपास तो वो रहते नहीं है, क्या ही फ़र्क पड़ता होगा। लेकिन जो एलिफेंट होते हैं माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने में हेल्प करते हैं, और अगर देखा जाए तो वो काफ़ी जो अदर स्पीसीज हैं उनके ऊपर डिपेंड होती है एलिफेंट्स के ऊपर, क्योंकि जब भी वो जहाँ पर जंगलों में जाते हैं वही होते हैं जो वाटर होल्स डिग करते हैं, यानी अंदर से खोदते हैं पानी, और अगर वो नहीं और जो बाकी के जो एनिमल्स होते हैं वो शेयर करते हैं उसी पानी को, अगर एलिफेंट्स वहाँ से बिल्कुल विलुप्त हो जाएं तो वहाँ पर जो काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं वो तो प्यासे ही मर जाएंगे। यानी एक एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की खुद में एक महत्व होता है, और इसलिए एक इकोसिस्टम बनाया गया, एक जो क्लाइमेट को कंजर्वेशन जो वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करते हैं उनकी कमेटी बनाई जाती है, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इसी पर्टिकुलर एक रीज़न के कारण। तो किसी भी एक स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होना एक बहुत बड़ा इफेक्ट दे सकता है हमारे पूरे इकोसिस्टम को। तो क्योंकि हमने समझ लिया कि एक्सटिंक्शन किसी भी स्पीसीज का एक बहुत ही बड़ी बात होती है, तो हम ये भी जानते हैं कि जनरली एक्सटिंक्शन होते क्यों क्यों हैं। इसके मेन चार ही कारण होते हैं ज़्यादातर अगर देखा गया है, कि पहले बात तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी ओवर फिशिंग कर देना। तो जैसे ओवर फिशिंग होती है तो उससे जो फिश की जो प्रजातियाँ हैं, अगर आपने भी सुना होगा, खबरें भी आ रही हैं कि काफ़ी कम होती जा रही हैं, क्योंकि ओवर फिशिंग काफ़ी एक वास्ट तरीके से फैला हुआ है। दूसरा होता है डिग्रेडेशन ऑफ देयर हैबिटेट, यानी जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर जहाँ पर वो पर्टिकुलर हैबिटेट है उनका उसी के ऊपर डिफॉरेस्टेशन हो जाना, यानी अगर आप जंगली काट देंगे तो वो रहेंगे कहाँ पर, तो ऑफकोर्स उनके एक्सटिंक्ट होने की जो टाइम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
प्लास्टिक पॉल्यूशन जो होता है वो भी काफ़ी बड़ा रीज़न साइड के रहता है जो ओशन के जो जीव होते हैं उनके लिए। हाल ही में अगर ये न्यूज़ में खबरें भी आ रही हैं कि जो फिश होते हैं यानी जो काफ़ी ओशन के जो जीव हैं उनमें काफ़ी जीवों में पानी लगा है वो प्लास्टिक के एलिमेंट्स मैंने उनके अंदर प्लास्टिक घुसता जा रहा है, यानी जो ऑफकोर्स जो लोग खाते हैं उनको तो उनको तो डिपेंड करेगा, यानी जो और जीवों में भी जाएगा वो, अगर ह्यूमंस उन्हें कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर भी प्लास्टिक जा रहा है और ऑफकोर्स एक्सटिंक्ट होने के जो टाइम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। और आखिरी चौथा और एक मेन कारण जो बताया जाता है इनके एक्सटिंक्ट होने का वो है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, यानी जो जैसे एलिफेंट्स हो गए उनको उनके दांतों के लिए उनको मारा जाता है, और जो टॉर्टोइस शेल होती है उसके लिए उन्हें मारा जाता है टॉर्टोइस को। तो यानी जो ऐसे जो जीव होते हैं उनके एक्सटिंक्शन होने की जो रेट है बल्कि बढ़ जाती है, क्योंकि एक्चुअली इस फील्ड में ऐसा होता है कि जितने ज़्यादा और कम बचते हैं ना वो स्पीसीज, जितनी ज़्यादा जनसंख्या उनकी कम बचती है उनकी वैल्यू और बढ़ जाती है हंटिंग और पोचर्स की दुनिया में। यानी अगर आपके एलिफेंट्स और कम बचे हैं तो उनके दांतों की जो कीमत होगी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी जो और जो एक्सटिंक्ट होने वाली जो स्पीसीज है उनके एक्सटिंक्शन रेट और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट एक्शंस ना लिए जाएं पॉलिसीज़ के द्वारा, यानी जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनके द्वारा। अगर हम ये भी देखें कि यार हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए, एक सवाल सॉल्यूशन ओरिएंटेड सवाल सभी के मन में आना चाहिए, तो यार कुछ छोटे मोटे चीज़ें होती हैं जो हम जिसका हम ध्यान रख सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि काफ़ी मिनिमल इफेक्ट पड़ेगा, जो मेन इफेक्ट तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वहाँ पर रहने वाली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उन्हीं से एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर देखा जाए तो जो पोचिंग है और जो हंटिंग है उसके खिलाफ अगर और स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाए जाएँ और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करा जाए तो एक खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और जो स्टडीज़ हैं वो दिखाती हैं कि जो वहाँ के जो एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं वो जल्दी से बढ़ती भी हैं। फिर भी अगर हम देखा जाए कि अगर हम डेली लाइफ में ऐसी क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं ताकि थोड़ी बहुत जो एक्सटेंशन की जो रेट थोड़ी कम हो जाए, जो एनिमल हंटिंग है वो शायद थोड़ी सी कम होने लग जाए, तो पहला तो यही होता है कि जो एनिमल स्किन्स के जो हम कपड़े पहनते हैं उनको या फिर जो प्रोडक्ट्स आते हैं कई तरह के तो उनका हम कम यूज़ करें, जो मीट होता है वो कम खाया जाए। अब मीट कम खाने से आप ये सोच रहे होंगे शायद मुर्गियों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है यार। मेन बात यहाँ पर मुर्गियों से रिलेटेड नहीं है, मेन बात है यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है, यानी वहाँ पर जो ये जीव होते हैं इनको क्या खिलाया जाता है, सोया प्रोडक्ट के ज़्यादा खिलाए जाते हैं, यानी सोए। और जो इनकी जो फार्मिंग होती है ये सब काफ़ी ज़्यादा पेड़ काट जाते हैं हर साल इनकी फार्मिंग की जगह घेरने के लिए, और जो पोल्ट्री फार्म होता है वो खुद में ही मतलब इनके जो प्रोडक्शन होता है इनको फीड करने के लिए उसमें जो पेड़ कटते हैं उनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इस वजह से वहाँ की जो रहने वाली फॉरेस्ट में रहने वाली प्रजातियाँ हैं वो धीरे धीरे कम हो ही जाती हैं। और तीसरा और जो मेन ध्यान हम लोग दे सकते हैं वो यही है कि प्लास्टिक के यूज़ को कम करना। अगर अब आप ये सोचें कि नहीं प्लास्टिक के यूज़ को कम करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है प्लास्टिक के यूज़ को कम करने से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सारा कचरा है या तो हम जला देते हैं प्लास्टिक को, क्योंकि ऑफकोर्स इसको जो डिग्रेड होने में तो पता नहीं कितने सालों मतलब हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं एक पर्टिकुलर प्लास्टिक की पिन्नी को भी डिग्रेड होने में। तो अगर हम देखें तो या तो जलता है, यानी जलता है तो ऑफकोर्स हमारे लंग्स को तो इफेक्ट करता ही है, और जो एयर पॉल्यूशन एयर क्वालिटी है उसको भी डिपेंड करता है, यानी उसको भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो जो बर्ड्स जो वहाँ पर रहने वाली होती हैं उस एरिया में अगर हम देखें तो काफ़ी कम हो जाती हैं। एक और बड़ी एक बात बताना चाहूँगा, एक जनरेशन शिफ्ट भी एक चीज़ होती है, यानी कि अगर आप ये देखें कि आपके जो पूर्वज थे उनकी नज़र में जो डिग्रेड यानी डैमेज्ड चीज़ जिसका नाम लेते थे यार ये तो बहुत आज तो मौसम ख़राब सा लग रहा है, तो वो जो आने वाली जनरेशन है जो हम लोग हैं हमारे लिए तो वही एक नेचुरल चीज़ है, यानी हमारे लिए तो वो नेचुरल है, और जो हम डैमेज कर रहे हैं वो हमारे लिए डैमेज्ड है कि यानी यार देखो यार आज तो मौसम ख़राब है, हमारे लिए जो उन्होंने डैमेज छोड़ा था वो हमारे लिए नेचुरल है ऑलरेडी, और जो उन्होंने डैमेज छोड़ा था वो हमारे लिए नेचुरल है ऑलरेडी। यानी अगर जो अब हम जो डैमेज छोड़ेंगे वो आने वाली जनरेशन के लिए नेचुरल होगा, तो यानी उन्हें काफ़ी चीज़ों का तो एक तरीके से इफेक्ट समझ ही नहीं आ रहा है, हम लोगों को भी वो समझ नहीं आएगा इतनी गहराई से। अगर एक आदमी जो हज़ार साल जी रहा है अगर वो देख पा रहा है कि अच्छा यार इतने सालों में ये हुआ था, वो भाई अब तो बहुत ही ज़्यादा काला घना अंधेरा चाहता है यार, कबूतरों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और वो आगे ज़्यादा दे रहा है, तो यानी उसे तो सब कुछ दिख रहा है बड़ी पिक्चर, लेकिन हम क्योंकि हम कुछ ही सालों के बाद आते हैं फिर कुछ सालों बाद हम चले जाते हैं तो हमें तो पता ही नहीं चलता, लेकिन जो एक अगर ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो काफ़ी बड़ा होता है। इसे बोलता है जनरेशन शिफ्ट, यानी हमें कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता है कि जो डैमेज हो चुका है हम उसे नेचुरल समझ चुके होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि शायद उससे पहले अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज़ की वैरायटी थी, बायोडाइवर्सिटी थी, उनकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो इसलिए जो हमारा जो एफर्ट्स होने चाहिए वो इस हिसाब से होने चाहिए कि शायद हम डैमेज छोड़ने की जगह हम और बेटर छोड़ने की प्रयास करें, इसलिए इसमें प्लास्टिक का जो यूज़ है वो थोड़ा सा कम करना चाहिए।
ऑफ कोर्स ये खुद में एक इतना बड़ा टॉपिक है, हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि इतना सिंपल नहीं है केवल प्लास्टिक के यूज़ के ऊपर ज्ञान दे देना। एक खुद में अगर हम ग्राउंड लेवल पर बात करें तो एक काफ़ी बड़ा खुद में टॉपिक है जिसके ऑफ कोर्स मैं कभी ना कभी वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। बाकी अगर आपको ये थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर देना। और अगर आपको कुछ और बातें लगे थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट्री लगें, या फिर अगर आपको लगे कि नहीं आपके नज़र में कोई और सॉल्यूशंस हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम और वीडियो बना सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो वहीं पर हम मिलेंगे। बाकी मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।